संधि मिश्रा है। मैं कक्षा सातवां की छात्रा हूँ। मेरा विद्यालय का नाम केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 जेले बरेली कैंट है। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी लेके प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है दो आज। गर्मी के दिन थे और दोपहर का समय। दो आदमी सुबह सुबह आए और आम के पेड़ के नीचे सो गए। दो पत्तों से छनझन कर उन पर पड़ रही थी, फिर भी वे नहीं उठे। जहाँ थे वहीं पर पड़े रहे। दोनों के बीच में एक पका आम टपका सुनहरे रंग का। दोनों को देखकर उसे ललचाना आ गई। एक ने दूसरे से कहा कि दोस्त, यह जरा आम उठाकर मेरे मुंह में डाल दो, देखूं तो कैसा है। पहले दोस्त ने कहा, अरे कैसे उठूं, कुत्ता मेरा हाथ पकड़ा है। उधर से एक ऊंट वाला जा रहा था। पहले आलसी ने पुकारा, ओ ऊंट वाले भाई, जरा इधर तो आना। ऊंट वाला बहुत भला था। ऊंट वाला आया, पूछा क्या है। अरे भाई, यह आम उठाकर मेरे मुंह में डाल दो, देखूं तो कैसा है। अच्छा, इतनी दूर से तुमने मुझे बुलाया था, तुम्हें शर्म नहीं आई? पास में पड़ा हुआ आम भी तुमसे नहीं उठाया जाता। बड़े कमाल के हो, जो हाथ पैर नहीं चलाता उसका भला कभी भगवान नहीं करता। यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।